मुंबई की फेमस डिश आज बन रही है मसाला किचन के अंदर। मुंबई का बहुत ज़्यादा फेमस है वड़ा पाव। वड़ा पाव आपने कई टाइप से खाया होगा, कई जगह खाया होगा, लेकिन यहाँ खाइए कुछ अलग तरीके से। इसमें खास तरीके की सूखी चटनी होती है जो बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है किसी भी स्नैक्स के साथ। आज वो भी बनाएंगे और इस वड़ा पाव को भी बनाएंगे। आज थोड़ा उल्टा चलेंगे, अक्सर हम वड़ा जो होता है पाव के साथ खाते हैं, आज हम वड़े को बिना फ्राई किए पाव के साथ खाएंगे। कैसे खाएंगे चलिए वो देख लेते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। यहाँ मैंने 6 पाव ले लिए हैं, उसे अलग रख देती हूँ। यहाँ मैं कुछ बेसन घोल लेती हूँ। 1 से 1.5 कप मैं बेसन घोल लेती हूँ, जिसमें मैं डालूंगी क्या वो देख लेते हैं। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये जरूर डालें, इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उसमें 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दीजिए। अब इन सबको मिक्स कीजिए और एक घोल तैयार करना है। ये तो हम अक्सर वैसे भी तैयार करते हैं, एक्चुअल इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बस बनाने का तरीका अलग है। धीरे धीरे पानी डालकर एक घोल बनाइए जो हमें लगेगा। पानी धीरे धीरे डालिए जिससे लम्स ना हो और काफ़ी ज़्यादा रनी ना हो जाए। हमें ऐसा चाहिए जो बहुत ही बढ़िया तरीके से फूला हुआ बेसन हो। हम इसे बना के थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी कर दी है कि बिल्कुल जो है हमारा बढ़िया सा ये वड़ा पाव बन सके। ये देखिए बहुत ज़्यादा रनी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसे हम ढक के 15-20 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। अब चलते हैं हम चटनी बनाने। जो सूखी चटनी अक्सर बहुत अच्छी होती है और वड़ा पाव की तो जान है, तो उसके लिए मैंने लिया क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिए लहसुन। लहसुन पूरी 1 गांठ को मैंने बारीक क्रश कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ले लिए मैंने मूंगफली के दाने। 2 चम्मच लिए नारियल का बुरादा। 1 चम्मच भर के लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सूखा साबुत धनिया, सफ़ेद तिल और थोड़ा नमक। यहाँ मैंने 1 पिंच लिया है साइट्रिक एसिड, जिससे ये पाउडर जो चटनी का बन जाएगा बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगा और खट्टा भी लगेगा। और अगर आप चाहें तो इस साइट्रिक एसिड को हटा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर डाल सकते हैं, या खट्टा खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। घर में बनाने से फ़ायदा ये होता है, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हमें पता है। इन केस आपको लहसुन नहीं पसंद तो आप लहसुन को हटा दीजिए, बिल्कुल वैसे ही वड़े पाव का मज़ा लीजिए जो आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा। अब इस सारे पाउडर को हमें लेकर मिक्सी में पीसना है, एक बढ़िया सी चटनी तैयार करनी है। ये देखिए ऐसी होती है ना चटनी, ये सूखी चटनी बेहद पसंद आएगी आपको। और इसे आप बंद करके इस किसी एयरटाइट जार में रख दीजिए, 8 से 10 दिन तक फ्रिज में इंजॉय कीजिए, कुछ बिगड़ना नहीं है इसका, 15 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा डालते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच राई, कुछ करी लीव्स, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये सारी चॉइस आपकी है, आपको कितना डालना है, कितना पसंद करते हैं आप। थोड़ा सा हींग पाउडर 2 चुटकी के आसपास, डिपेंड करता है हींग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। इसे फटाफट से मिक्स करेंगे जिससे हल्दी बिल्कुल ना जले। और फिर हम आलू को हाथों से क्रश करते हुए इसके अंदर डालेंगे। सर्दियों के आलू ऐसे होते हैं कि बॉईल करने के बाद उसका जब हम छिलका हटा देते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो काफ़ी दम लगाना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए। करीब 4 बड़े आलू थे मेरे पास जिन्हें मैंने तोड़ लिया है इस तरीके से। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक,
इसमें डाल दीजिए कुछ दाने चीनी के। यकीन मानिए टेस्ट बिल्कुल अमेजिंग सा होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब थोड़ा खट्टा, थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा सा मिठास उसके अंदर। गुजरात में भी बनता है वड़ा पाव और मुंबई में भी। आप कहाँ बना रहे हो, कैसा टेस्ट है आपका, सारी च्वाइस आपके ऊपर है। अब आलू क्योंकि मोटे लग रहे हैं काफ़ी, तो मैं पोटैटो मैशर से इसे थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, जिससे हमें बॉल्स बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। आप चाहते तो तड़के में थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ी सी चना दाल भी डाल सकते थे या फुटना, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब इस सारे मिश्रण को निकाल दिया, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। जब तक मैं ये जो पाव है उन्हें कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ थोड़ा सा पानी। आप कहेंगे पाव के अंदर पानी? जी हाँ, पाव के अंदर पानी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये जो मसाला मैं लगा रही हूँ ना, वो चिपका रहे इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, वो जो आलू थोड़ा ठंडा हो चुका है उसे हमें इस पाव के ऊपर रखना है। आप चाहे तो एक बॉल बना कर रख दें जैसे हम बड़े बनाते हैं, और या फिर इस तरीके से फैला दें दाबेली की तरह। बस ये बना के आप रख दीजिए एक तरफ। अच्छे से उसके अंदर मसाला भी लग गया जो हमें चाहिए होता है, और हमने आलू का मिश्रण भी लगा दिया है। इसी तरीके से मैं सारे पाव को इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। आपने कई बार बनाया होगा, कई बार खाया होगा, इस बार आप इस तरीके से बनाकर खाइए। सर्दियों में चटपटा सा, तीखा सा बहुत अच्छा लगता है नाश्ता, तो इस टाइप का नाश्ता हमें बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको लास्ट में ये भी ऑप्शन बताऊंगी कि हम इसे और किस तरीके से बना सकते हैं। लीजिए, सारे पाव तैयार हैं, अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। बेसन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। अगर जरूरत लगे तो एक आध चम्मच पानी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा घोल गाढ़ा लग रहा था तो मैंने एक आध चम्मच इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब ये परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर रख दिया मैंने ऑयल गरम करने के लिए, और मैं आपको बताऊंगी हाथों से इस मसाले को अच्छे से पैक करते हुए। पहले साइड को रोल कीजिए बेसन के अंदर, और फिर ऊपर और नीचे बेसन पतली लेयर एक लगा लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से बड़े बर्तन में बेसन बनाइए और इसे आप डाल दीजिए कढ़ाई में। अक्सर हम जब वड़े को फ्राई करते हैं, आज आप इसको फ्राई कीजिए। यहाँ भी आपको मैं एक ट्रिक दूंगी। ये देखिए, जब हम डाल देते हैं ना तो ऑयल आप ऊपर से डाल दीजिए, जिससे ऊपर से पैक हो जाए। अब वो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। आपको लगेगा कि ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल लेगी, नहीं लेगी, आप एक बार बना के जरूर देखिए। इस एक वड़े पाव से ही आपका पेट भर जाएगा, आप इसके 3 स्लाइस भी कर सकते हैं। अब देखिए, टूटने का कोई चांस नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑयल लगा लिया था। साइड से अगर कुछ अनइक्वल हो उसे निकाल दीजिए। ये पैक होने की वजह से ब्रेड अंदर ऑयल नहीं लेती है। अब इसे पूरा तेल निकाल के आप इस तरीके से निकाल दीजिए। इसी तरीके से हम और भी पाव बनाएंगे, और मैं ये भी बताऊंगी कि आप फ्राई नहीं करना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे इसे। वही ट्रिक फॉलो कीजिए, ऊपर से थोड़ा बेसन लगा लीजिए और ऑयल लगा लीजिए, जिससे वो पूरी तरीके से पैक हो जाए। और ये जो साइड से आपको बेसन दिख रहा है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया काम आता है। जब आप चटनी बनाते हो ना, तो चटनी बनाते टाइम अगर आपके पास सेव ना हो, बारीक मूंगफली ना हो, तो ये जो बारीक सी कतरन सी होती है, इसे आप चटनी में डाल देंगे ना, जब हरी चटनी में, तो बस इतनी बढ़िया गाढ़ी चटनी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। आपको मैंने पहले भी बताया है, जब हम इसमें बारीक सेव डाल देते हैं तो इनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हलवाई लोग इसी तरीके से ही करते हैं, पकोड़े की जो साइड वाली कतरन होती है उसको डाल देते हैं चटनी के अंदर। अब ये वड़ा पाव तो हमने बना लिया है एक अलग टाइप से, साथ में मिर्ची जरूर तल लीजिए, क्योंकि मिर्ची के बिना ये वड़ा पाव वो मज़ा नहीं देगा। मिर्ची को तल लीजिए, उसे भी निकाल लीजिए। लग रहे ना बड़े ही अमेजिंग से,
थोड़े डिफरेंट टाइप के। अब चलते हैं वड़ा पाव को थोड़ा अलग टाइप से बनाने के लिए। जैसे अगर हमें फ्राई नहीं करना, कभी ऑयल नहीं रखना कढ़ाई पे, तो आप थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा लीजिए तवे पर, और जो ये रिमेनिंग वाले जो बचे हुए वाले हैं उनको मैं इस तरीके से स्लो गैस पर दबा कर पकाऊंगी। यकीन मानिए वड़े पाव का इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपको बिना कढ़ाई रखे कि आप उसे सोचेंगे काश हमें पहले पता होता। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इतना क्रिस्पी हो जाएगा ये वड़ा पाव कि आप क्या कहेंगे। बटर लगाइए या ऑयल लगाइए, धीरे धीरे उसे दबा दबा कर उसे सेकते जाइए। मसाला उसी तरीके से लगाना है और हमें आलू की भी फिलिंग उसी तरीके से लगानी है। आप चाहें तो एक तरफ से हरी चटनी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल दाबेली का मज़ा देगा और वड़े पाव का भी मज़ा आएगा उसके अंदर। अब आपको कढ़ाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से सुबह का नाश्ता करिए और अपना मूड बनाइए। ये देखिए दबा कर सेकने के बाद वो काफ़ी क्रिस्पी सा बना है और इसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से खा सकते हैं। इसके साथ भी मिर्ची रखना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए मैं फोक से आपको आवाज़ करके दिखा रही हूँ, काफ़ी क्रिस्पी है, तो हमें फ्राई करने की ज़रूरत क्या है। अब दोनों ही ऑप्शन है, जैसा मन करे जब मन करे उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ, ये जो हमने फ्राई किए हैं उसे हम कट कैसे करें। तो अब पुराना तरीका जो होता है उसे आप छोड़ दीजिए, इस नए तरीके से वड़े पाव को एंजॉय कीजिए। जैसा तरीका आपको पसंद है उसी तरीके से आप बनाइए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये ट्रिक आपको कैसी लगी बिना कढ़ाई के वड़ा पाव का मज़ा लेने का मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।